स्टेट हाईवे पर सालाबाद गांव के पास सोमवार सुबह कोहरे के कारण लोक परिवहन बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार एक नर्सिंग छात्रा एवं एक बीसीएसई सेकेंड ईयर छात्रा घायल हो गई। दुर्घटना में बस के ड्राइवर साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रेलर को कोतवाली पुलिस ने जब्त कर लिया। सूचना पर बयाना कोतवाली एवं झील चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बयाना सीएचसी पहुंचाया गया। दोनों घायल छात्राओं को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसा इतना भीषण था कि बस में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घायलों को बस से निकाला। एसएचओ हरिनारायण मीणा ने बताया कि करीब 8:30 बजे हाईवे पर कोहरे के कारण बयाना से भरतपुर जा रही लोक परिवहन बस से बस में सामने से आया ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है, लेकिन उसकी पहचान कर ली गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। सीएचसी के नर्सिंग इंचार्ज रोशन धाकर ने बताया कि घर छात्राएं बयाना कस्बे के बजरिया निवासी रितिका 20 वर्षीय पुत्री शिवराम पंजाबी और विजय कॉलोनी निवासी रश्मि बंसल 22 वर्षीय पुत्री अशोक कुमार है। आज तो सही भी तो बन गए हैं। चले ले 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 ले